सर मैं ये जो खंडरावली अंडरपास है रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा इसमें आ जाएगा अभी वो, इससे अगले वाले में निकाल ला, अभी खंडरावली वाले पे ही आ जाएगा। पहले तो देख लो नज़ारा, देखो पहले इधर का क्या बेहतरीन सौंदर्य पूर्वक कार्य किया गया है हमारे जो इंजीनियर है उनके द्वारा। और ये है LHS नंबर 84, खंडरावली का ही रेलवे स्टेशन है। और हालत देख लीजिए इसकी, पानी की कितना पानी है बताया जा रहा है, लगभग यहाँ पे 4 फुट पानी है। बाइक की लाइन देख लीजिए, पहले तो लाइन देखो बाइक की कितनी लग रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ना देखो भाई थोड़ा सा, ये देख लो मतलब बुरी हालत है। और एक ही बारिश हुई अब तक, बारिश ज़्यादा नहीं हुई, एक बारिश में इसकी हालत है। ये देख लो जुट्टा बुग्गी आने गिरी डूब ली वाह, ये देख सकते हैं आप, देख लो बुग्गी जुट्टा की कितना डूब लिया। और ये देख लो भाई बुग्गी देख लो, पैनी तो फुल हो रही, मतलब बुग्गी डूब ली इसमें। और पिछली बारिश में तो एक जोटा जो है थोड़ा सा उसकी उम्र कम थी, वो गुजर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और अंदर, अब अंदर चलेंगे भीतर तक कह दूँ आप, थे आ जाओ भाई। ये देखो ये गाड़ी नहीं निकल सकती, ये बड़ी गाड़ी है, ये अभी यहाँ से नहीं निकल सकती। ये देखियो अब जा इस गाड़ी में दिखाओ भाई जल्दी जल्दी, और पानी का हमें भी खतरा है पानी। ये देखो ये कहीं बंद हो सकेगा गाड़ी रास्ते में भी, लेकिन शायद निकल भी सकती है। देखो अब पानी जो है इस पर ऊपर तक चढ़ रहा, है और मजबूरी है कि यहाँ से निकलना बिल्कुल दुर्लभ है, कोई आम आदमी कैसा आदमी यहाँ से नहीं निकल सकता। ये देख लो उन्होंने जो टन वाणा ये चालू कर दिया, स्कूटर मोटरसाइकिल कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं निकल सकती। देख लो अब, देख लो दोनों तरफ से इन्होंने जो कार्य कर रखा, इधर से देखो भी, इधर से दिखाओ, इधर से आ नहीं सकता, इधर का दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। देखो जो आदमी इधर सा होगा, अब इधर से दिखाओ, जो आदमी इधर सा होगा उस वो भी नहीं दिखाई देगा जो इधर सा होगा। देख लो ये समस्या आम समस्या नहीं है, देख लीजिए अब यहाँ से निकलना। ये देखो बिल्कुल ऊपर ही है लिया पैनी, ऊपर डबी है पैनी, देख लो इधर देखो गाड़ी आ नहीं सकती, अब दूसरी गाड़ी कोई बाइक नहीं आ सकती, कोई छोटी गाड़ी आ नहीं सकती। और बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी हो तो आदमी क्या करेगा, अगर आदमी के पास कोई इमरजेंसी है तो आम आदमी ऐसे में क्या करेगा। और ये अभी की समस्या नहीं है कि आज की समस्या है, ये बहुत लंबी समस्या चलने वाली है। और इस समस्या का कोई समाधान सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना भी हमारे लिए बड़ा दुर्लभ हो गया, क्योंकि हॉर्न इसलिए बजाए जा रहे हैं ताकि आदमी निकल सके। ये देखो दोनों डब इस तरह ही हो रहा, दोनों तरफ, उधर से कोई आ नहीं सकता, इधर से कोई जा नहीं सकता। और पानी देख लो यहाँ पे इन्होंने तो हालांकि 2 फुट लिख रखा, 2 फुट का पानी नहीं है, यूँ लगभग 4 फुट का पानी है, पूरी बाइक उसकी जो सीट है वहाँ तक आ रहा, यानी कि घुटनों से भी ऊपर पानी है इसमें। और इधर से जो बाइक आएंगी उन्हें खतरा, समझा। ये देख लो अब इधर से जो बाइक आ रही इनकी देखो हालत, उधर से जो बाइक आएगी उनकी हालत ख़राब, गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती। अगर बाइक, अगर इमरजेंसी में कोई बाइक कोई गाड़ी यहाँ से ले जानी हो और कोई मरीज हो तो सोच लो कैसे जाएगा उसके सामने। ये पानी जो ऊपर भर रहा है ना, ऊपर का पानी जो भर रहा है, ये पानी नीचे से ऊपर आ रहा, क्योंकि यहाँ से बाइक और ये जो गाड़ियाँ जा रही, जो बड़ी गाड़ी है तो आराम से निकल जाऊँ इसमें, क्योंकि उसका सलेंसर थोड़ा ऊपर हो। ये देख लो पानी की हालत देखो, इसमें नाव ही तैर के एक डब लिखड़ा जा सके। देखो अगर इसमें नाव लगा दी जाएगी तो नाव तो आ जाएगी, छोटी गाड़ियाँ जो छुपैया छोटी गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती, बाइक नहीं से जा सकती, कोई और चीज़ नहीं यहाँ से जा सकती। अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला ली जावे तो ऐसे में एम्बुलेंस का क्या होगा, आप सब समझदार हैं। और अभी वहाँ पे एक नंबर लिख रखा है, उस नंबर पे जाकर हम कॉल करके देखेंगे वो क्या जवाब देते हैं। एक बारिश हुई है अभी तक मात्र, कल जो रात बारिश हुई बड़ी अच्छी बारिश हुई, और बारिश के बाद की हालत है। अगर आज भी बारिश हो गई तो स्टेपर से निकलना भी
मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं उस नंबर पर बात करेंगे। ये देख लो भाई, ये देखो यहाँ से अगर उधर से भी बाइक आ जाए, इधर से भी बाइक आ जाए तो ये हालत हो जा। देख लो अभी ना निकलना है यहाँ से, मुश्किल हो जाएगा दोनों जनों ने। और ये हालत पूरे सारे के सारे जितने भी अंडरपास है, इसमें तो टेपर भी है, इससे तो निकल भी जाओगा आदमी। दूसरे वाले में टेपर भी नहीं है, इसमें तो लिख रहे जरा कोई रास्ता नहीं है कहीं तो। कई लोग भी जो जो नंबर लिख रहे उन पर हम कॉल करके देखेंगे। मैं एक हमें मारता भाई, अब इनके पास कॉल करेंगे भाई। यहाँ नंबर भर रखा है, जल भरा होने पर निम्नलिखित नंबरों पर सूचित करें। अब नंबर देखो इनका मिलाते हैं। पहला नंबर लिख रहा रेलवे अधिकारी ठेकेदार। अब पहले रेलवे अधिकारी पर मिलाओगे। 97 60 53 12 35। ये देखो कॉल कर दिए, इनका नाम आया संजय शर्मा जी। बैल जा रही है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये जो खंडरावली अंडरपास है रेलवे स्टेशन के पास, जी जी जी, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से निकलने में। छुट्टी तो इसलिए थोड़ा आपको क्लोजर नहीं हो रही है, अभी निकालता। कितना टाइम लग जाएगा लगभग? 83 पे लग रहा है, 83 से निकाल के इस पे आ जाएगा, 1 घंटा लग जाओ बस। जी जी, लेकिन ये तो पहले सबसे पहले तो आप इसी का निकाल करो, इसमें तो सबसे मेन तो यही है, आना जाना तो 10-12 कामों का आना जाना है। इसलिए तो इसकी छपाई वपाई सारा काम इस पे करवा रहे मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी जी जी, जी 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 खंडरावली वाले की। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ये भाई जो अधिकारी थे वो, ये पता नहीं नाम तो इनका क्या था, नाम तो मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन ये देखिए नंबर पे कह रहे हैं लगभग 1 घंटे के बाद इसका पानी जो है निकाल दिया जाएगा। लेकिन समस्या, मैं फिर वही बात करूँगा, समस्या इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता। जिसके पास छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटे वाहन हैं, वो यहाँ से नहीं निकल सकता। बड़ी गाड़ियाँ भी जो 4x4 गाड़ियाँ हैं या फिर सिंगल गाड़ियाँ हैं, चुपहियाँ जो वाहन हैं, छोटी गाड़ियाँ कोई भी गाड़ी इससे नहीं निकल सकती। कितनी भी ताकतवर गाड़ी हो इससे नहीं निकल पाएगी, क्योंकि पानी उसके शुरू में घुसते ही एकदम शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़ी रहेगा गांव गुआंढ के साथ। इस आवाज़ को हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये आवाज़ आम जनता की आवाज़ है। अगर हम आम जन की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पत्रकार का सही काम यही होता है कि वो आम जन की आवाज़ को उठाए। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।